हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं फैन रेगुलेटर के कनेक्शन करना बताऊंगा। तो ये हमारा एक छोटा सा बोर्ड है, साथ में ये स्विच लगा हुआ है। ये स्विच हम जैसे ही ऑन करेंगे तो हमारा फैन रेगुलेटर हमारे पंखे को चलाएगा। तो दोस्तों इसका कनेक्शन मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये पीछे से कुछ इस प्रकार दिखता है, जिसमें से ये फैन रेगुलेटर है और इसके ये दो वायर निकले हुए हैं और ये हमारा स्विच है। तो दोस्तों स्विच में पहले हम फेस लगाएंगे। फेस के लिए मैं ये लाल वायर ले रहा हूँ। उसके लिए मैं स्विच के कोई भी एक पॉइंट में मैं ये लाल वायर लगा दूंगा, जो कि हमारा ये फेस होएगा। और मैं अब इसे अच्छे से टाइट कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने फेस का वायर लगा दिया एक स्विच में, और ये जो हमारा रेगुलेटर है इसमें दो वायर निकलते हैं। इसका एक कोई सा भी एक वायर लेकर के आप ये दूसरे स्विच में लगा दीजिए, जो कि ये स्विच का दूसरा पॉइंट है, इसमें मैं ये लगा देता हूँ। और अब इसे टाइट कर देता हूँ मैं। दोस्तों देखो कुछ इस प्रकार है, यहाँ से हमारी फेस आएगी और हम जैसे स्विच ऑन करेंगे यहाँ से हमारी फेस की लाइट इस रेगुलेटर में चली जाएगी, और रेगुलेटर हमारे कंट्रोल हमारा ये फेस का कंट्रोल करके फैन में भेजेगा। तो दोस्तों ये मैंने फैन की जगह ये बल्ब लिया है, जिसके यहाँ पर ये दो वायर निकल के आए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये बल्ब लिया है, और इसका जो फेस वाला वायर है उसको हम इस रेगुलेटर के दूसरे वायर में कनेक्ट कर देंगे। और दोस्तों ये जो न्यूट्रल वायर होगा वो हम न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ से जो फेस निकलेगा वो हमारा ये फेस निकल जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट है। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, ये जो रेगुलेटर है वो हमेशा सीरीज में लगेगा। जैसे कि यहाँ पर फेस है, पहले स्विच में जाएगा, स्विच का जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे रेगुलेटर के एक पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा, और जो हमारा पंखा होगा उसका जो फेस होगा वो हमारे रेगुलेटर के दूसरे पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा, और ये जो फेस होगा वो न्यूट्रल में, ये जो फेस होगा वो हमारा मेन लाइन में सप्लाई चल जाएगा, और ये जो न्यूट्रल होगा वो हमारे मेन लाइन में चला जाएगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना।